बहुत बहुत नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार मिश्रा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक नए वीडियो के साथ आगमन हो चुका है। आज की वीडियो में हम लोग फिजिक्स सब्सिडियरी का आंसर की का विश्लेषण करेंगे, जिनका एग्जामिनेशन अभी सेकंड सिटिंग में हुआ है। ठीक है, तो जो तमाम छात्र छात्राओं से स्नेह पूर्वक निवेदन है कि जो लोग आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा ले, ताकि आगे आपको समय समय पर इस तरह का वीडियो का अपडेट मिल सके। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे और सबसे पहले तथ्य पर बात करते हैं। कुछ बड़ा करना है तो अपनी राह खुद चुनो, भेड़ बकरियों की तरह नहीं, शेर की तरह चलो। नाउ लेट मी बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। कि आपका पहला क्वेश्चन क्या था, मैं इसका आंसर की बताते जाऊंगा, आप लोग उसका अपना वेरीफाई कर लेना। क्योंकि पेपर थोड़ा जो है सो मॉडरेट माना गया था, उतना ईजी नहीं था, मतलब मीडियम एवरेज में क्वेश्चन था इसका, तो आप लोग अपना वेरीफाई कर लो। मैं बता दूं कि कुछ कुछ क्वेश्चन में मुझे भी सस्पेंस है, तो 2% से 4% क्वेश्चन का मिस्टेक हो सकता है, जिसको बाद में हो सकता है। मैं पहले ये बात बता रहा हूं कि करेक्शन में कमेंट बॉक्स में कर दूंगा, या आप लोगों में से कोई कंफ्यूजन वाला बात रहे तो कमेंट में मत बताइएगा, कोई कंफ्यूजन पता रहे कि हाँ इसका ये आंसर होगा। श्योर अगर रहे तो उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको करेक्ट करके कमेंट में फिर पिन अप कर दूंगा। राइट, तो सबसे पहली बात है कि स्टार्ट करते हैं, फिर आगे जो होगा इस पे बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो ये किस चीज का है, एलएनएमयू में जो एग्जामिनेशन हुआ है, आप लोग का उसका आंसर की। द ऑप्टिकल पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट ऑफ लेंथ एल इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज, दैट इज इसका जो राइट ऑप्शन होगा म्यू एल, टिक कीजिए ए ऑप्शन। ठीक है, इसका ए ऑप्शन आप लोग टिक करें। आगे चले, सेकंड नंबर क्वेश्चन, आपका फॉर्मेट प्रिंसिपल होल्ड्स गुड फॉर। देखिए, सबसे पहली बात है जो कोई भी चीज में जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए कि फॉर्मेट प्रिंसिपल होल्ड्स गुड फॉर ए रे। फॉर्मेट प्रिंसिपल के अनुसार होता है, द रे विल कोरिस्पॉन्ड टू द पाथ फॉर विच टाइम टेकन इज एन एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम मतलब मैक्सिमम, मिनिमम या स्टेशनरी। अगर ज्यादा समय लगा है तो ज्यादा लगेगा, कम है तो मतलब मिनिमम, वो कम से कम रूल के अनुसार मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, अगर ये ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उस लाइट को मिनिमम दूरी तय करना है। तो इसमें कहता है कि होल्ड गुड किसके लिए हुआ, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी टिक करो आप लोग, रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए ज्यादातर बेहतर था, इसने इसको अच्छे तरीके से प्रूफ करा, तो ये स्नेल्स ऑफ रिफ्रैक्शन राइट होगा उसका आंसर। ये बहुत वाला गलत है भाई साहब, इसका राइट ऑप्शन बी होगा। चलिए, उसके बाद थर्ड है द नंबर ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ ए थिक लेंस। तो आपको पता है थिक लेंस इज ए सिस्टम ऑफ कोएक्सियल रिफ्रैक्टिंग सर्फेस व्हिच एक्सियल डिस्टेंस आर नॉट नेग्लिजिबल। तो एब्स ने कहा था टू फोकल टू नोडल टू उसके बाद क्या था प्रिंसिपल, तो इसका राइट ऑप्शन ये टिक करो आप लोग, 6 होगा, पता होगा आप। तो 4 का राइट ऑप्शन जो है आप लोग सी टिक करो, सेम वेवलेंथ विथ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। क्वेश्चन था हमारा, टू सोर्सेस ऑफ लाइट आर कोहेरेंट इफ दे इमिट रेज ऑफ, तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे चलते हैं, द पाथ डिफरेंस बिटवीन कोरस्पॉन्डिंग टू ए फेज डिफरेंस इज पाई बटा 2, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी टिक करो, लैम्डा अपॉन 4। ये फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस होगा, आपको फॉर्मूला पता होगा, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। राइट, यहीं से हम लोग निकालेंगे तो ये आपको निकल जाएगा। तो चलिए, ये आपका इसका राइट ऑप्शन सी होगा, ज्यादा इस पर बात नहीं करेंगे, आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो आप लोग टिक कर लो, लैम्डा डी बाई डी होता है ना, लैम्डा डी ओवर डी, सो इट इज द राइट ऑप्शन, तो ए टिक करो इसको आप। उसके बाद 7वां है, व्हाट इज द फ्रिंज विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न फाउंड बाय टू नैरो स्लिट्स, इतना जो कुछ वैल्यू है आपका, अगर आप इसको सॉल्व करते हो एक बार चेक कर लेना, मुझे डी ऑप्शन आ रहा है 5.1 सेंटीमीटर। सो एक बार आप लोग जरूर इसको वेरीफाई करोगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहां पे 75 क्वेश्चन यहां पे सब्सिडियरी में आपको पूछा जाता है, और आप इसको एक बार जरूर वेरीफाई कर ले। वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो आपका वेरीफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसका नेक्स्ट जो 8वां नंबर क्वेश्चन है, उसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आप लोग बी टिक करो, म्यू माइनस 1 इनटू टी, इसका राइट ऑप्शन होगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए, टू वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड ए एंड बी इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली देन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज, मतलब क्या है, डिस्ट्रक्ट कर रहा है। यहां पे ऐसा रहता है कि ये एक वेव है ऊपर से, फिर एक ये वेव ऐसे आ गया, तो ये बहुत ही ज्यादा ये पार्टिकल यहां पे है तो ये ऊपर की तरफ बाउंस चला जाता है, मतलब हाई लेवल पे। लेकिन यहां पे क्या है, ये डिस्ट्रक्ट कर रहा है, तो जब ये डिस्ट्रक्ट कर रहा है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा आपका, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो 9 का राइट आंसर होगा वो होगा बी ए माइनस बी, क्योंकि यहां पे मिनिमम हो जाएगा, तो मिनिमम वाले केस में ए माइनस बी होता है। आप जानते हैं इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का, तो यहां पर इंटेंसिटी तो हमें निकालना नहीं है, बस ये पूछ रहा है एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड विल बी फाइनली ए बराबर ए माइनस बी, जब आप फॉर्मूला से इसको फाइंड आउट करोगे। और वो फॉर्मूला क्या है भाई, तो आई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ऐसे करके रहता है ना, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2 ए वन ए टू
और cos phi करके या cos थीटा, ऐसे आपको वैल्यू आएगा राइट। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग बी टिक करो। मैं थोड़ा इसको बीच बीच में एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। बी टिक करो। टू वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड्स इंटरफेयर, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट द साइट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दैट विल बी द जीरो। मेरे हिसाब से ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए ऐसे कंस्ट्रक्ट किया उसको ऊपर से जाकर डिस्ट्रक्ट कर दिया तो रेशियो आपका क्या हो जाना चाहिए, जीरो होगा। तो राइट ऑप्शन इसको आप बी टिक करो। बट मुझे लिटिल कंफ्यूजन है लेकिन मैं क्वेश्चन के हिसाब से और थ्योरी के अनुकूल आपको बता रहा हूं कि जीरो होना चाहिए, बी ऑप्शन। उसके बाद है टू कोहरेंट सोर्सेज आर सेड टू बी कोहरेंट इफ देयर फेज डिफरेंस इज, द राइट ऑप्शन इज सी, रिमेंस कॉन्स्टेंट। इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द रेडियस ऑफ एनथ डार्क रिंग इज, इसका जो राइट ऑप्शन होगा 12 का वो आप लोग टिक करो, बी अंडर रूट एन, ये वाला अंडर रूट एन इसका राइट ऑप्शन होगा। 13 का जो राइट ऑप्शन होगा ये कॉन्ट्रैक्ट, आप लोग ऑप्शन बी टिक करो, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड नहीं होता, एक्सपेंड मतलब क्या होता है ऐसे फैलना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाता है। उसके बाद 14 का जो राइट आंसर होगा ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डेंसर मीडियम द लाइट अंडरगोज अ फेज चेंज ऑफ, तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, पाई मतलब कि 180 डिग्री, पाई रेडियन। उसके बाद है 15 हार्डिंगर फ्रिंजेस आर फ्रिंजेस ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर इक्वल इंक्लिनेशन होना चाहिए, सिर्फ इसका बी ऑप्शन होगा। आपको कई जगह ऐसा होगा जो देखने को क्लियरली नहीं बताएगा कि इक्वल थिकनेस होगा, लेकिन इक्वल इंक्लिनेशन इस केस में ज्यादातर पॉसिबिलिटी है 99%, तो बी ऑप्शन इसका टिक करो आप लोग। द डायमीटर ऑफ द एनथ ब्राइट रिंग ऑफ न्यूटन रिंग इज प्रोपोर्शनल टू, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होना चाहिए। देखिए मुझे इसमें थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए है कि ये जो होता है ब्राइट रिंग्स के लिए, ब्राइट रिंग्स के लिए होता है अंडर रूट 2n-1 वाले केस में, ऐसा मैंने जहां तक पढ़ा था, तो ये ऑड नेचुरल नंबर के प्रोपोर्शनल होता है, ऑड नेचुरल नंबर के प्रोपोर्शनल होता है आपको। तो आप ऐसा करो ये ऑप्शन ही मान के चलो, ये ऑप्शन इसका सही होगा, अंडर रूट 2n-1 है ये, तो ये अंडर रूट एन तो होगा नहीं, ये एन तो होगा नहीं, ऑड होगा ना, नेचुरल नंबर स्क्वायर रूट भी होना चाहिए, तो स्क्वायर रूट इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इट मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान दो, फ्रेजनल डिफ्रेक्शन इज, तो फ्रेजनल डिफ्रेक्शन और फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन के बारे में आप लोगों को पता होगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आप लोग टिक करो, नियर फील्ड फेनोमेना, क्योंकि इसमें सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन का डिस्टेंस फिक्स होता है, इसे नजदीक में होता है ना कि फार में होता है, फार वाले केस में क्या होता है फ्राउनहोफर, तो राइट ऑप्शन इसका ए टिक करो। चलो 19 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दो आप लोग। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल, मतलब हम लोगों ने पढ़ा था बेंडिंग ऑफ लाइट एंड स्प्रेडिंग इट ओवर द ज्योमेट्रिकल शेड व्हेन एन ऑब्स्टेकल इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ इट, जैसे ब्लेड के तिरछी कोण पे से लाइट जो मुड़ जाता है ऐसे करके, तो हम लोगों ने डिफ्रेक्शन में पढ़ा था, तो इसका राइट ऑप्शन बी टिक करो। उसके बाद 20 है, तो 20 का जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, ये एफ आर लेस देन एफ बी, ऐसे होता है रेड का वायोलेट से कम होता है इन दैट सिचुएशन। चलो आगे चलो, फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन अराइजेस व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द स्क्रीन इज इफेक्टली एट, दैट इज मींस इनफाइनाइट डिस्टेंस, मतलब 21 का राइट ऑप्शन जो है ए टिक करो आप लोग। 22 का राइट ऑप्शन जो है सो ए टिक करो आप लोग। उसके बाद 23 में थोड़ा कंफ्यूजन है, इसका आंसर आप लोग मुझे बताना जिनको कंफर्म पता होगा, बट अकॉर्डिंग टू मी इंक्रीजेज ही होना चाहिए, इसका बी ऑप्शन आप लोग टिक करो। तो इसका 24 देखो, तो 24 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आप लोग हो जाएगा बी इंक्रीज, इसका राइट ऑप्शन बी टिक करो। 25 का जो राइट ऑप्शन होगा वो भी बी होगा, शार्पर, क्या होता है शार्पर होता है। उसके बाद जो है सो 26, तो 26 का जो राइट ऑप्शन होगा व्हेन व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग द जीरो ऑर्डर मैक्सिमा विल बी, तो 26 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा व्हाइट, एकदम कंफर्म है ये सब। डिस्पर्सिव पावर ऑफ द ग्रेटिंग नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर, इसका भी राइट आंसर बी ही होगा। चलिए आगे, इफ सी स्टैंड फॉर, तो ये 1/c², इस क्वेश्चन का आंसर 28 का आप लोग टिक करो डी। अब ये ऐसा क्यों होता है, तो भाई सी बराबर क्या होता है, अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, कैसे, तो इसका वैल्यू आप निकालोगे सी, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, तो 1/ अंडर रूट म्यू नॉट का वैल्यू रख भाई 4.2×10^-7, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखो 8.85×10^-12, पूरा का रूट है, इसको निकालने के बाद 3×10^8 आपको वैल्यू निकलेगा, तो यहां से आपको सी बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट देखने को मिल रहा है, तो यहां पे स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो यहां पे रूट कैंसिल हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c², दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट एंड सी, तो यहां ऑप्शन डी इसलिए करेक्ट होगा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए 29 का जो राइट ऑप्शन है वो सी टिक करो, तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, मतलब ये हुआ जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इसमें पढ़ा था पॉइंटिंग वेक्टर में कि ई क्रॉस एच होता है, अरे हम लोग जानते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे करके
ये प्रोपेगेशन ऑफ वेव हो गया, ये इधर इधर डायरेक्शन हो गया, ये इधर को डायरेक्शन हो गया, ऐसे करके नीचे की तरफ ऐसे वेव बनता है। तो इसमें क्या होता है ना, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे की तो परपेंडिकुलर होता ही है, उसके साथ साथ वो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन जिधर हो रहा है उसके भी परपेंडिकुलर होता है। ये 90 डिग्री का एंगल बना, विच मीन्स परपेंडिकुलर, ये भी बना, इसका मतलब परपेंडिकुलर। इट मीन्स द ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आस्क्ड। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको पूछा गया उस हिसाब से। 30 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आप लोग टिक करो, द पॉइंटिंग वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा, क्योंकि P बराबर E क्रॉस H होता है, ये पावर फ्लो देता है यहां से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, दोनों में फ्लो करता है, तो पावर फ्लो होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी फ्लो करता है, इसका डायरेक्शन रहता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी रहता है, तो ये दोनों तो होगा नहीं। अगर ऐसा रहता तो 1 और 2 ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ रहता, ए बी दोनों, ऐसा नहीं है तो पावर फ्लो इज द राइट ऑप्शन, तो सी टिक करो आप लोग। 31 का जो राइट ऑप्शन होगा ये ऐसे होता है, द चार्ज फ्लोइंग थ्रू मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटरी प्रोपोर्शनल टू, ये आपको दिया हुआ रहता है K2 इंटू थीटा, तो K2 मेरे हिसाब से कांस्टेंट है, तो थीटा आप लोग टिक करके चलो ए ऑप्शन। उसके बाद है डैम्पिंग इज मस्ट इन, डैम्पिंग किसमें मस्ट है, तो 32 का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा, बोथ ए एंड बी, इसमें मैं श्योर नहीं हूं, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में तो होगा ही डैम्पिंग, और डेड बीट गैल्वेनोमीटर में होता या नहीं होता, नोट श्योर अबाउट दैट, ए या डी में से इनमें कोई कंफर्म होगा, बट मेरे हिसाब से ऑप्शन डी होना चाहिए। इसमें भी कंफ्यूजन है थोड़ा, तो आप लोग बताओगे, मैंने दो बता दिया, बस कंफ्यूजन है, तो ये डी इसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा होने की, क्योंकि डेड बीट गैल्वेनोमीटर में भी थोड़ा पॉसिबल है कि होता है डैम्पिंग। उसके बाद इन बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर चार्ज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आप लोग टिक करो, टी बाई 2π टाइम्स द करंट सेंसिटिविटी, टी बाई 2π, मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चार्ज इज मेजर्ड बाय, चार्ज किससे मेजर्ड होता है, तो 34 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपको सी होगा, ए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। 35 का जो राइट ऑप्शन होगा, न्यूट्रल टेम्परेचर ऑफ थर्मोकपल इज द टेम्परेचर एट विच द थर्मो ईएमएफ इज मैक्सिमम, क्योंकि देखिए न्यूट्रल ऐसे करके होता है, ऐसे बढ़ता है, ऐसे ग्राफ आपको रहेगा, बढ़ेगा ऐसे गया और ऐसे करके नीचे आ जाता है, तो यहां पे जो आके नीचे की तरफ आता है ग्रेजुअली डिक्रीज जो करता है उसको हम इन्वर्जन टेम्परेचर बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या है यहां पे, क्वेश्चन ऐसा तो नहीं पूछ रहा जो आप ऐसा बता दोगे ये जीरो होगा, कुछ छात्र ऐसे होंगे जिनके अनुसार जीरो होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जैसा इसमें बोला जा रहा है कि न्यूट्रल टेम्परेचर ऑफ थर्मोकपल इज द टेम्परेचर, न्यूट्रल टेम्परेचर के बारे में पूछ रहा है, तो इस केस में आपका सिर्फ मैक्सिमम होगा, वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग ए टिक करो। मैं क्वेश्चन के हिसाब से आपको बता रहा हूं, द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अप्लाइड फॉर, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो थॉमसन इफेक्ट, ये बी ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद 37 है थॉमसन कोएफिशिएंट, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आप लोग टिक करो, थॉमसन कोएफिशिएंट कैन एदर बी पॉजिटिव और निगेटिव, इसका राइट ऑप्शन सी टिक करो। ए कंसिडर, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये सी होगा, वूज वैल्यू इज गिवेन बाई 38 का सी ई सी। The time constant, तो इसका राइट ऑप्शन ए टिक करो, टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ सर्किट कंटेनिंग अ कैपेसिटेंस सी एंड रेसिस्टेंस आर इज गिवन बाय। 40 पे आइए, 40 का राइट ऑप्शन आंसर जो होगा द टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड ऑफ रेजोनेंट ऑसिलेशन ऑफ एलसी सर्किट, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये 1/2π√LC, ये टिक करो आप, ये इसका राइट आंसर होगा। इसमें भी मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, ये मैं पहले बता दे रहा हूं, ये आप चेक कर लेना। इन पैरेलल रेजोनेंट सर्किट एट रेजोनेंस, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मैं आपको बता दूं क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि इंपीडेंस ऑफ सर्किट मैक्सिमम होता है पैरेलल में, करंट का वैल्यू जो है सो मिनिमम होता है, तो इंपीडेंस ऑफ सर्किट ये तो होगा नहीं, करंट का वैल्यू मिनिमम ये होगा नहीं, इंपीडेंस जीरो होगा नहीं, तो वोल्टेज इज मैक्सिमम, इसका मतलब 41 का राइट ऑप्शन बी होगा 100%। इन ए सीरीज रेजोनेंट सर्किट एट, तो 42 का राइट ऑप्शन आप लोग सी टिक करो कि करंट क्या होता है मैक्सिमम होता है, बाकी ये केसेस वगैरह यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक करते जाइए। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये आपका चैनल है जिसमें आप सभी का स्नेह प्यार बनता दिखाई दे रहा है, आगे आप लोग इसी तरह का प्यार बनाए रखें ताकि चैनल को एक नई गति प्रदान हो और एक मजबूत स्तंभ बना सके जो छात्र छात्राओं के हित में एक बड़ी पहल साबित हो। इसके लिए आपके सपोर्ट, आपके प्यार और आपके पूरे स्नेह का आवश्यकता है ताकि आने वाले दिनों में ये एक नई गति और नया स्तंभ बना सके, है ना। उसके बाद 43 का जो राइट ऑप्शन है, थीटा इज द फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड ए वोल्टेज इन ए सर्किट, देन पावर फैक्टर इज इक्वल टू, पावर फैक्टर कितना हो जाएगा जी 10θ, ये 10θ ही होना चाहिए ना, ये cos थीटा sin थीटा / cos थीटा करके होता है, तो ये 10θ ही होगा, इसका राइट ऑप्शन बी टिक करो आप लोग। 43 का जो जो बाद में करेक्शन करने वाला होगा उसको मैं करेक्ट करके बता दूंगा, डोंट वरी।
द पावर फैक्टर ऑफ ए सर्किट इज जीरो इफ इट कंटेन्स, तो 44 का जो राइट ऑप्शन होगा ये गैप करके चलो। 45 ए वाट मीटर इज यूज टू मीजर, 45 का जो राइट ऑप्शन होगा ये सी होगा अपेरेंट पावर, सी टिक करो। 46 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आप लोग बी टिक करो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ए वाट आवर मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मीजर्स एसी सर्किट, इलेक्ट्रिकल। हाँ, वाटलेस करेंट ये क्या है, तो आइडल, आइडल मतलब बेकार, इसका जो है सो कहने का मतलब आइडल करंट है, तो फाउंड इन एसी तो होना नहीं चाहिए, फाउंड इन डीसी तो होना नहीं चाहिए, एसी डीसी तो होगा नहीं, तो आप एन इमेजिनेशन मान के चलो कि एक कल्पना ही है, आइडल का मतलब तो यही होता है बेकार, ये वाटलेस करंट आइडल है जहां तक मुझे पता है, तो एन इमेजिनेशन इसका राइट ऑप्शन होगा, इट मींस ए आप लोग टिक करो। एक करंट इसका राइट ऑप्शन तो भाई बी, 48 का 90 डिग्री होगा, ये श्योर है। द मोस्ट एक्यूरेट मेथड एंडरसन ब्रिज, आपको पता है कि मॉडिफिकेशन वार्म अप व्हीटस्टोन ब्रिज, वी यूटिलाइज इट फॉर द मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड कैपेसिटी एंड डज नॉट रिक्वायर द रिपीटिंग बैलेंसिंग ऑफ दिस ब्रिज, क्योंकि आप लोगों को पता है एंडरसन ब्रिज में सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल का यूज किया जाता है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल क्या है, तो सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल बाय वर्चू ऑफ व्हिच इट अपोजिट एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द इट बाय डेवलपिंग एन ईएमएफ, तो इसका राइट ऑप्शन डी टिक करो। 50 का ए ट्रांसफार्मर यूज टू कन्वर्ट एसी वोल्टेज टू हायर लो वैल्यू या और लोअर वैल्यू, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। 51 का जो राइट ऑप्शन होगा ये आप यूनिट ऑफ चार्ज पे करो, लिटिल कंफ्यूजन इसमें भी है, इसको मैं बाद में श्योर करके बता दूंगा। मतलब पूछ रहा है यूनिट ऑफ पोलराइजेशन पी का क्या होगा, तो यूनिट ऑफ चार्ज के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये कुलम्ब ऐसे करके मीटर इनवर्स टू होता है, मतलब कुलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट ऑफ चार्ज से मुझे जुड़ा हुआ लग रहा है, क्योंकि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है भाई, मैं निकालता हूं आई बराबर क्यू टी, तो क्यू बराबर आई टी ऐसे करके, तो आपको यहां से सी ही मेरे हिसाब से होगा। 52 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आप लोग टिक करो बी। उसके बाद 53 है, 53 को मैं छोड़ रहा हूं। 54 का राइट आंसर जो है सो गॉस का नियम होगा, क्योंकि आपको पता है डाइवर्जेंस डी बराबर रो, विच इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन, इलेक्ट्रो डायनेमिक वेव इक्वेशन, तो ये आपको गॉस लॉ में ऐसा प्रूफ होता है, गॉस लॉ का हम प्रयोग करते हैं। और वो गॉस लॉ है क्या भाई, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई वेक्टर ओवर द सरफेस एस वेक्टर इज 1 बटा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज, यहीं से आपको निकलेगा ये फॉर्मूला, जिसमें हम लोग पुट करते हैं डी बराबर एप्सिलॉन नॉट ई और प्लस पी वाला केस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा इसको इलैबोरेट अब नहीं करेंगे, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो 55 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा व्हेन अ सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट्स एबिलिटी टू गेट मैग्नेटाइज्ड डिपेंड्स अपॉन इट्स परमियबिलिटी, ऑप्शन इसका ए टिक करो। उसके बाद 56 ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस वेरीज इनवर्सली टू टेम्परेचर, इसका राइट ऑप्शन सी होगा, फेरोमैग्नेटिक एवं क्यूरी टेम्परेचर। उसके बाद 57 डायमैग्नेटिक सब्सटेंस दे आर अट्रैक्टेड बाय, तो इसका राइट ऑप्शन जो है सो डी होगा, अपोजिटली होता है अपोजिट, तो राइट ऑप्शन इसका डी टिक करो आप लोग 57 का। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 का जो राइट ऑप्शन है एरिया इंक्लोज बाय बीएच कर्व, ए ऑप्शन टिक करो। 59 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आप लोग टिक करो ए, एम्पियर टर्न ऐसे करके होता है, एम्पियर टर्न है ना, तो इसका राइट ऑप्शन आप ए टिक करो। उसके बाद है 60, तो 60 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आप लोगों को नहीं बता रहा हूं मैं। 61 का तो बी टिक करो, बी बराबर म्यूनोट एच प्लस एम। 62 का जो है सो आपको राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ये वाला 62 का राइट ऑप्शन बी। 63 का ये भी गैप कर रहा हूं मैं, 3 से 4 द आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज ड्यू टू मैक्सवेल, ऑप्शन डी इज द करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया किसने दिया, तो मैक्सवेल ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, डी बराबर एप्सिलॉन ये भी होता है, ये भी होता है, जे बराबर ये भी होता है, तो ऑल आर करेक्ट, तो डी ऑप्शन इसको टिक करो आप। वेलोसिटी ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा, इसको आप लोग टिक करो। उसके बाद एन एसी वेव इज नोन एज यूनिडायरेक्शनल वेव, तो इसका राइट ऑप्शन जो है ए टिक करो। 68 का इंपीडेंस इज कंपोज्ड ऑफ द रेसिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, तो इसका राइट ऑप्शन जो है सी टिक करो आप लोग 68 का। 69 का जो राइट ऑप्शन है वो आप लोग सी टिक करो। 3.7 × 10⁻¹⁰ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, रेडियोएक्टिविटी विद द फेनोमेनन एसोसिएटेड विद, तो 70 का राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन इमिशन होता नहीं है, फ्यूजन तो होगा नहीं, नन ऑफ द अबव, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियर डीके होता है, न्यूक्लियस का डीके होता है, इसमें क्या होता है डीके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई इज द राइट आंसर। पैरिटी इज नॉट कंजर्व्ड इन, तो 71 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आप लोग बी टिक करो, बीटा डीके। उसके बाद जो 72 है, 72 का राइट ऑप्शन आप लोग बी टिक करो, अ प्रोटॉन, ये हो गया आपको 72 क्वेश्चन।
वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, जो लोग चैनल पर आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आप लोग किसी भी तरह के अपडेट से वंचित ना रह सके। 73वां नंबर क्वेश्चन देखिए, द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इज पी, मतलब कह रहा है मोमेंटम पी है वही, करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितना होगा। तो आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ से पता होगा कि लैम्डा बराबर एच बाई पी हम लोग लिखते थे, मतलब वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो पी के बराबर होगा, तो पी बराबर एच बाई लैम्डा होना चाहिए फॉर्मूला, द करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इतना होना चाहिए एच बट्टा पी। तो यहां पे क्या लिखा है लैम्डा बाई पी, ये क्या बेहुदा पंक्ति है। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा, यहां पे एच ओवर क्या होगा पी लैम्डा बराबर, तब ना पी बराबर एच बाई लैम्डा लिखते हैं जी, एच कांस्टेंट है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया इसका, पी बराबर वन बट्टा लैम्डा तो ये इनवर्सली हो गया। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्वेश्चन गलत दे दिया गया इनके द्वारा जिन्होंने क्वेश्चन छापा है। तो इसका राइट ऑप्शन यहां पे एच बट्टा पी मतलब कि ए होगा। चलिए आगे देखते हैं, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज, इसका जो राइट ऑप्शन होगा 74 का वो आपको हो जाएगा डी 6.63 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकंड, ये वाला नहीं होगा ये गलत है। द मास ऑफ ए फोटोन एट रेस्ट इज जीरो, रेस्ट मास क्या होता है फोटोन का, वो जीरो होता है। तो इसको आप लोग ए टिक कर लो। तो यही था आप लोग का 75 कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव का आंसर की फिजिक्स का, ठीक है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को दूसरे छात्रों तक शेयर करें और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।